अगली खबर में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा चुनाव को अब एक साल से भी कम समय शेष रह गया है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। इस क्रम में पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकी राम कन्वर का एक विवादित बयान सामने आया है। भाजपा का कांग्रेस हटाओ प्रदेश बचाओ अभियान के तहत आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कन्वर ने कहा कि यदि आबकारी विभाग और पुलिस की टीम शराब पकड़ने आदिवासी के घर आए तो उनकी पिटाई करे। कोरबा जिला अंतर्गत रामपुर विधानसभा के ग्राम कोरकोमा में भारतीय जनता पार्टी ने आम सभा का आयोजन किया था। इस दौरान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल व सांसद गोमती साय भी विशेष तौर पर उपस्थित रहीं। सभा को संबोधित करते हुए विधायक कन्वर ने कहा कि आदिवासियों को शराब बनाकर पीने की छूट है, इसके बावजूद उन्हें धमकाया जाता है और उन पर कार्यवाही की जाती है। अब समय आ गया है कि भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय हो जाए और ऐसा करने वालों की पिटाई कर दे। यही नहीं, उन्होंने मंच से ही नेता प्रतिपक्ष चंदेल को ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि नेताजी आप ध्यान दीजिए और मामले को जमकर उठाइए। यहां बताना होगा कि भाजपा द्वारा विधानसभा स्तर पर बैठक व सभाएं ली जा रही हैं। इसमें प्रदेश स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। जिले के कटघोरा, पाली, तानाखार, रामपुर व कोरबा विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष चंदेल, सांसद गोमती साय व जिला प्रभारी श्याम लाल, प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष लखन लाल दिवांगन की उपस्थिति में सभाएं हो रही हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद कोरकोमा में नेताओं ने बैठक में सभा ली। अवैध शराब बिक्री को लेकर पुलिस व आबकारी विभाग पर लगातार आरोप लग रहे हैं। कवर्धा के नवा गांव में पुलिस की टीम पर हुए जानलेवा हमले के बाद पूर्व गृह मंत्री ननकी राम का यह बयान इंटरनेट मीडिया में तेजी से प्रसारित हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता कन्वर अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। भाजपा सरकार में कन्वर कई बार मंत्री रहे, अपने बयानों से कई बार अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। जब कभी भी मुख्यमंत्री के दावेदारी की बात चलती है तो वे आदिवासी वर्ग को प्राथमिकता देने की वकालत करते हैं, साथ ही ये कहने से भी नहीं चूकते कि भाजपा में वे भी दावेदार हैं। तो जाना था ही आबकारी वाला उनको घर में जरूर कहा थे। अरे आदिवासी में छूट है भाई, नेताजी आपको विशेष करके बता रहा, इसको जोर से दहाड़िए। और अब बारी आ गया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर, इस तरह से अगर पुलिस वाले जाते हैं आदिवासी के घर में तो उनको पिटाई करते थे। आपको ताजुब होगा, परसों की बात है, बरपाली में ये उनका थाना पड़ता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को, कम से कम आप भी क्षेत्र जाए। आज रामपुर क्षेत्र के आम सभा में बोला था एक आध बात पिटाई खाबू को, और सरकार बनने के बाद में इस क्षेत्र में कम से कम 5 पैसा कोई घूस नहीं ले सकता।